नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हुई कोई भी नई भर्ती आती, नई वैकेंसी आती है तो उसका सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 45,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली स्वास्थ्य विभाग में, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें स्टाफ नर्स की जो नर्सिंग ऑफिसर रहेगा उसकी 6,000 प्लस वैकेंसी आएगी और एएनएम की आप यहां पर सामने देख भी पा रहे होंगे 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ सीएचओ की भर्ती के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार स्टेट की। ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये बिहार का शॉर्ट नोटिफिकेशन रहने वाला है और 4 महीने के अंदर अंदर इन सभी पदों पर नियुक्ति देने का निर्णय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कर्मचारियों को आदेश दिया है कि जो 4 महीने के भीतर जो पद खाली पड़े हुए हैं इनको भरा जाए जल्दी से जल्दी। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर करना। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी परसेंटेज बेस पर होने वाली है और कौन कौन सी वैकेंसी एग्ज़ाम के आधार पर होने की संभावना है, तो एक तरह से संभावना यहाँ पर व्यक्त करी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन न्यूज़पेपर कटिंग देखते हैं। ये न्यूज़पेपर कटिंग 7 जून की है, यानी कि 6 तारीख को कोई फैसला लिया गया था। 6 जून यानी कि 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आया था, लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था। उसके बाद 6 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने फैसला लिया जो भी पद खाली थे उनको भरने का, और उसी की न्यूज़ छपकर आई 7 जून को दैनिक भास्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर दैनिक भास्कर के माध्यम से अपन देखने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग पदों पर 45,000 नियुक्ति की जाएगी, यानी कि 45,000 के लगभग, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, 45,000 के आसपास पदों पर नियुक्ति यहाँ पर की जानी तय है। और यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद ही बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग ने 45,000 नियुक्तियाँ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को मीटिंग ली, यानी कि यह शुक्रवार की न्यूज है और गुरुवार को मीटिंग ली थी उन्होंने। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के बेहतर एवं गुणात्मक स्वास्थ्य और विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता पर जोर दिया है। इसलिए विभाग में मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक के सभी खाली पदों पर 4 माह के अंदर, देखो लोग क्लियर मेंशन कर रखा है, 4 माह के अंदर नियुक्ति करने का आदेश दिया जाता है। तो ये वैकेंसी आपकी जून महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जून महीने के अंदर अंदर जो स्टाफ नर्स हो गया, सीएचओ हो गया, एएनएम की वैकेंसी हो गई, सबका नोटिफिकेशन इसी महीने में जारी होने वाला है। जहाँ तक उम्मीद है कौन कौन सी वैकेंसी परसेंटेज बेस पर होने वाली है, अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये सभी जो वैकेंसीज है ये MBBS वालों के लिए, BDS वालों के लिए, यानी कि दंत चिकित्सक की अलग है, स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा अधिकारी की अलग है। तो ये MBBS और डॉक्टर्स की वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, तो आप इसकी डिस्कस ना करो, क्योंकि GNM, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। पैरामेडिकल वालों के लिए भी काफ़ी वैकेंसी रहने वाली है, पूरी वैकेंसी पैरामेडिकल की ओनली परसेंटेज बेस पर आएगी। ध्यान रखना, शेयर कर देना जो पैरामेडिकल कोर्स अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके पास, पूरी वैकेंसी जो भी आएगी परसेंटेज बेस आने वाली है। सिस्टर ट्यूटर के लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग जो पॉसिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो आपसे ओनली BSc नर्सिंग मांगा जाएगा या हो सकता है MSc नर्सिंग भी आपसे मांग लिया जाए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सिस्टर ट्यूटर के लिए ओनली BSc नर्सिंग मांगी जाएगी और यहाँ पर 362 पद खाली है। ठीक है, कितने पद है, 362 पद खाली है जिनको जल्द भरा जाएगा 4 महीने के अंदर। नर्स, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर कुछ भी बोल सकते हो आप, 6,298 पद यहाँ पर खाली है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, GNM और BSc नर्सिंग। ठीक है, जिन्होंने मिनिमम, जिनके पास ये दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए एलिजिबल हैं।
स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सिस्टर नर्स ट्यूटर जो था उसके लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और नर्स के लिए भी यहाँ पर एग्ज़ाम होना तय है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है ANM की। ANM की जो वैकेंसी है काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है, ये लगभग अपने आप में 1/3 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी 15,089 वैकेंसी यहाँ पर हैं। इस वैकेंसी को जो लिया जाएगा सिलेक्शन इस पर होगा ओनली परसेंटेज बेस पर होने वाला है। जनरल कैटेगरी की अलग वैकेंसी आएगी और जो वहाँ की बिहार की कैटेगरीज है BC, BC1, BC2 इनकी अलग अलग वैकेंसी आने वाली है। तो ये वैकेंसी प्योरली परसेंटेज बेस पर होगी और काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी रहने वाली है ANM की, ठीक है। इसके बाद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, अभी दो वैकेंसी अपन ने देखी, सिस्टर ट्यूटर्स की और नर्स की, इनका एग्ज़ाम होगा। फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट के 3,637 पद खाली है, 3,637 पद खाली है। इनके लिए जो वैकेंसी आने वाली है वो वैकेंसी जिन्होंने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और इस वैकेंसी के लिए भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसमें 90% चांसेज है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी 10% आप कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी है एक्सरे टेक्नीशियन प्योरली परसेंटेज वैकेंसी आने वाली है, जिसने डीआरटी कर रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसके पास डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है उसने कर रखा है, उसको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए और 803 पदों पर वैकेंसी रहेगी। ओटी असिस्टेंट जिन्होंने डीओटीटी यानी कि डिप्लोमा ऑपरेशन थी जो वैकेंसी है उसमें अगर आपने जो डिप्लोमा होता है ओटी का वो अगर आपने कर रखा है तो 1,326 पद बिहार में खाली है। प्योरली परसेंटेज बेस से वैकेंसी रहने वाली है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो या आपका दोस्त जो भी हो उसके पास वीडियो को शेयर करना। ECG टेक्नीशियन के 163 पद हैं, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ECG टेक्नीशियन की जिसकी वैकेंसी कम है और जिसके कैंडिडेट ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डिप्लोमा है वो एलिजिबल है। सबसे बड़ी वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है जिसको बोलते हैं LTV बोला जाता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसका कुछ भी हो सकता है। 50% एग्जाम का चांसेज है और 50% परसेंटेज बेस होने वाली है तो इसका कुछ भी हो सकता है, नोटिफिकेशन आने पर पता लगने वाला है। जिसने DMLT या BMLT कोर्सेज कर रखा है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा। ड्रेसर की जो वैकेंसी रहेगी प्योरली परसेंटेज बेस रहने वाली है। ड्रेसर की जो वैकेंसी रहेगी प्योरली परसेंटेज बेस रहने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जो है जून के लास्ट वीक तक कंप्लीट, जो भी 45,000 पदों के आसपास वैकेंसीज है सबका नोटिफिकेशन जून के लास्ट वीक तक देखने को मिलने वाला है। अभी ये डिटेल भी पढ़ के आपको बताऊंगा। बात करते हैं BCHO की। BCHO पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था मार्च के महीने में, आपने देखा भी होगा 4,500 पदों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन इसमें क्या हुआ था UR कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, जीरो वैकेंसी थी, इस वजह से इस वैकेंसी को रद्द करा गया और दोबारा से इसका जो इसमें क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन है सीट्स का UR में BC1 BC2 सभी कैटेगरीज में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से रूल के अकॉर्डिंग करके नई वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है। 15 से 20 तारीख के आसपास आपको BCHO का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना BCHO का नोटिफिकेशन 15 से 20 तारीख के बीच में देखने को मिलने वाला है। 4,500 पदों पर वैकेंसी रहेगी, इसमें जिनके पास CCH कोर्सेज है जिस CCH का जो सर्टिफिकेट है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और BSc नर्सिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जब मार्च में नोटिफिकेशन आया था तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया था कि ये इसके लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन हो सकता है वैकेंसी को जल्दी करवाने के चक्कर में ये परसेंटेज बेस भी इस वैकेंसी को रख सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जल्दी इसका पता आपको लग जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि 99% इसमें एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा, 99% चांसेज है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी 1% फिर बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हो मैं बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पर ये जो बिहार सरकार ने जो आदेश जारी करा था वो आदेश रहने वाला उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के आधार पर ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें भी क्लियर बोला गया 4 माह के अंदर अंदर आपको नियुक्ति करने के आदेश दिए जाते हैं। 45,000 के आसपास इसमें टोटल 45 तो नहीं है, अगर आप इनको टोटल करते हो तो 43,000 कुछ ही इसमें आती है निकल के, लेकिन 45,000 के अराउंड राउंड फिगर में इन्होंने मान रखा है न्यूज के आधार पर। बाकी कुछ इक्के दुक्के पद अलग होंगे, उनको भी ये भरने का प्लान होगा।
तो टोटल इतनी वैकेंसी है, इन सभी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जून 2024 में जारी हो जाएंगे। ध्यान रखना जून 2024 में जारी हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों के पास वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग सके कि वैकेंसी आने वाली है। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा दें। मिलते हैं दोस्तों नई वैकेंसी के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।